ओम नमो नारायण। मैं अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत से आपका स्वागत करती हूँ अरुष किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे मकाई पोहा का चिवड़ा। तो पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये हमने 2 चम्मच पीसी हुई चीनी ली है, इसको हम डाल देंगे। और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, वो डालेंगे। थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। और ये हमने नमक लिया है 1/2 चम्मच जितना, वो डाल देंगे। ये 1/2 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है, वो डाल देंगे। और ये 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, वो डाल देंगे। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अपना मसाला मिक्स हो जाएगा तब तक अपना तेल गरम हो जाएगा। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। ये तेल अपना गरम हो गया है तो पहले हम इसमें ये जो हमने मूंगफली के दाने लिए हैं इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसमें डाल देंगे हम। इसको हम थोड़ा सा लाल होने देंगे। इस तरह से अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको किस कोई भी हम बड़े बर्तन में निकालेंगे कि मिक्स होने अच्छे से मिक्स होगा। तो इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। अब इसमें हम ये जो पोहा है वो हम फ्राई करेंगे। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे कि वह फूलता ज्यादा है। इस तरह से इसको भी हम निकाल लेंगे। और इसमें भी हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। गरम गरम में डालेंगे तो अच्छे से मिक्स होगा। ये हम दूसरा पोहा फ्राई कर लेंगे। तो सारे पोहे हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये हमने सारे पोहे फ्राई कर लिए हैं इस तरह से और मसाला भी इसमें हमने डाल दिया है। तो अब इसमें हम ये मिर्ची फ्राई कर लेंगे। गैस हम बंद कर देंगे क्योंकि ये इसी में हो जाएगा।
तो ये मिर्ची भी हम इसमें डाल देंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब हमने मिक्स कर लिया है तो इसको हम अब सर्व करेंगे। तैयार है अपना मकाई पोहा का चेवड़ा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट करके कहना आपको कैसा लगा है मकाई पोहा का चेवड़ा।